हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 बोला गया है, अ पॉइंट ई इज टेकन ऑन साइड बीसी। बीसी पर कोई पॉइंट लिया गया है ई, जो कि मेरे पैरेललोग्राम है एबीसीडी में। मेरा जो ए है उसको ए एंड डी सी आर प्रोड्यूस, ए और डी सी को प्रोड्यूस किया गया है टू मीट पॉइंट एट एफ। तक प्रूफ करो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ सी के। तो सबसे पहले मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया जिसका नाम है ए बी सी डी। इसे नाम दिया ए बी सी एंड डी। फिर बोला गया कोई पॉइंट है ई, जो किस पे है, बी सी पे। बी सी पे पॉइंट ले लिया मैंने ई। लेने के बाद बोला गया है ए ई, यानी कि मेरी, पहले मैंने ए को ई से ज्वाइन किया, ए और सी डी इन डी सी इन दोनों को प्रोड्यूस किया, जो एक दूसरे को एफ पे मिलते हैं। ये लो जी, मैंने इसको बढ़ा दिया और इसको बढ़ाया, ये एक दूसरे को एफ पे मिलते हैं। तो प्रूफ करो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ, ए डी एफ यानी कि इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है, जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो इक्वल है किसके, बी एफ सी के। बी एफ सी यानी कि इस वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से शो किया है। ठीक है, जो रेड वाला ट्रायंगल का एरिया है वो ग्रीन वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो देखो, जो रेड कलर का जो ट्रायंगल है, ठीक है, या रेड रंग का जो ट्रायंगल है, वो मिलके दो ट्रायंगल से, दो चीज़ों से मिलके बना है। एक तो ये मेरा पॉलीगन, सॉरी, एक तो मेरा क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी। तो मुझे पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा ए ई सी डी का, और दूसरा फिर ई सी एफ, इसमें ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा एरिया निकल के आ जाएगा। इसमें मेरे दो ट्रायंगल बने हुए हैं बी सी एफ, ये दो ट्रायंगल से मिलके बना है, तो ये और ये, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इनका एरिया बनेगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन पार्ट। गिवन दे रखा है पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, यानी कि बी सी इक्वल होगा ए डी के एंड बी सी पैरेलल होगा ए डी के, नंबर वन दे दिया। इसी तरीके से मेरा ए बी इक्वल होगा सी डी के, ए बी पैरेलल होगा सी डी के, नंबर दो दे दिया। और हमें बोला क्या गया है कि प्रूफ करो, टू प्रूव कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल बी एफ सी के। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने की कंस्ट्रक्शन करके मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन ए सी डी ई, ठीक है, ए सी और डी ई इन दोनों को ज्वाइन कर दिया मैंने। पहले ज्वाइन करता हूँ ए को सी के साथ, ये हो गया ए सी, और दूसरा पॉइंट है मेरा डी ई, ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिए। तो ज्वाइन करने बाद में देखो, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पैरेललोग्राम की। ये हमारा पैरेललोग्राम था बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। पैरेललोग्राम में डायगोनल उसको हमेशा दो बराबर भागों में बांटता है। तो जो मेरा ट्रायंगल बनेगा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि डायगोनल इक्वल को टू पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ लिखा मैंने पैरेललोग्राम ए बी सी डी डायगोनल ए सी डिवाइड इन इक्वल टू पार्ट, जिसकी वजह से मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी के। इसे नंबर मैं तीन ले लेता हूँ। तीन लेने के बाद में देखो, ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, ये पूरी लाइन भी क्या होगी, पैरेलल होगी एक दूसरे के, ठीक है। तो पैरेलल होने की वजह से पहले मैंने ड्रॉ किया ए बी, ठीक है, और दूसरा मैंने ड्रॉ किया सी एफ, सी एफ। वैसे तो लाइन ये पूरी पैरेलल है, आगे जा रही डी तक जा रही है मेरी लाइन ये, लेकिन मुझको ज़रूर सिर्फ यहाँ तक की है। मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन किया, इसको इसके साथ ज्वाइन किया, और इसको इसके साथ ज्वाइन किया। अब बनने वाले जो मेरा ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, इस वाले ट्रायंगल का एरिया
इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो इक्वल होगा इस वाले ट्रायंगल की, एक को मैंने ग्रीन कलर से और एक को मैंने रेड कलर से शो किया है। ये जो मेरा बीच में इनका पॉइंट आ रहा है इसे मैं दे देता हूँ, ये मेरा ई पॉइंट है ये, ठीक है। ये वाले दो ट्रायंगल हैं ए बी एफ, ये वाला ट्रायंगल दूसरा ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एक ही बेस पर बने हुए हैं, ए बी बने हुए पैरेलल लाइन के बीच में हैं। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस बिटवीन पैरेलल लाइन देन देयर एरिया इक्वल। इस वजह से मेरा एरिया ट्रायंगल ए बी एफ इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक। इसे नंबर दे दिया मैंने 4। देने बाद यहाँ लिखा मैंने फ्रॉम 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से। ए बी सी इक्वल ए सी डी के है, ए बी सी इक्वल ए बी एफ के है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एरिया ट्रायंगल ए सी डी इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल ए बी एफ के। इसे इक्वेशन नंबर मैंने 5 मान लिया, इक्वेशन नंबर 5। अब इनके बीच में जो देखो ए ई बी, ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इस कॉमन एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो मेरा ए बी एफ है, ए बी एफ ये दो हिस्सों से मिलके बना है, पहला ट्रायंगल ए बी ई प्लस दूसरा ट्रायंगल ए ई सी इज इक्वल टू, ये भी दो हिस्सों से मिलके बना है, ए बी सी कौन कौन से, एरिया ट्रायंगल ए बी ई प्लस मैंने क्या है ए बी एफ का ए ई बी दूसरा बी ई एफ होगा, बी ई एफ इसका हो गया ए बी ई ए ई सी ए ई सी। ध्यान से देखना, पहले वाला जो ट्रायंगल है ए ई बी हुआ, दूसरा बी ई एफ, इन दोनों का पार्ट ये सब है, फिर ये वाला ए ई सी ए बी ई हुआ, दूसरा हुआ ए ई सी। अब दोनों में कॉमन कौन है, ए बी ई कैंसिल हो गया, तो मेरा कौन इक्वल है, एरिया ट्रायंगल बी ई एफ इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए ई सी। ये 5 था, इसे नंबर मैंने दे दिया 6। देने के बाद जैसा कि मैंने बताया था कि जो मेरा रेड वाला ट्रायंगल है दो चीज़ों से मिलके बना है, पहला मेरा क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी, दूसरा ई सी एफ, इन दोनों को मिलाएंगे तब मेरा पूरा ट्रायंगल बनेगा। तो पहले बात करते हैं ए ई सी डी की, ठीक। यहाँ लिखा मैंने एरिया ए ई सी डी। अब ए ई सी डी इसको यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ए ई सी डी, ये दो में दो हिस्सों से मिलके बना है। पहला मैं इसकी बात कर रहा हूँ ए ई सी डी की, दो हिस्सों से मिलके बना हुआ, एक तो ए सी डी दूसरा ए ई सी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा पूरा क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा एरिया ट्रायंगल ए सी डी प्लस एरिया ट्रायंगल ए ई सी कर दिया। अब मैंने यूज़ किया यूजिंग 3 एंड 6, ए सी डी, ए सी डी किसके इक्वल है, ए बी सी के, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया एरिया ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ए ई सी किसके इक्वल है, पी ई एफ के, तो यहाँ लिख दिया एरिया ट्रायंगल मैंने बी ई एफ इज इक्वल टू ए ई सी डी। जैसे कि मैंने कहा था मैंने क्वाड्रिलेटरल तो बन चुका मेरा, सिर्फ इस पार्ट की कमी है किसकी, सी ई एफ की, सी ई एफ, इस वाले पार्ट को दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, ऐड एडिंग एरिया ट्रायंगल सी ई एफ बोथ साइड। तो यहाँ पर मैंने एरिया ट्रायंगल सॉरी ए ई सी डी में ऐड कर दिया ट्रायंगल सी ई एफ को इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए बी सी
प्लस बी ई एफ प्लस सी ई एफ सी ई एफ करने के बाद ए ई सी डी और सी ई एफ ए ई सी डी और सी ई एफ इन दोनों को ऐड करने पे मेरा कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा ए डी एफ ये वाला रेड वाला ट्रायंगल बन जाएगा तो यहाँ लिखा मैंने एरिया ट्रायंगल ए डी एफ इज इक्वल टू अब यहाँ पर तीन ट्रायंगल ध्यान से देखना है वन बाय वन करके ए बी सी और बी ई एफ ए बी सी यानी कि ये वाला ट्रायंगल ए बी सी दूसरा है बी ई एफ बी पहला जो ट्रायंगल हो गया ए बी सी दूसरा बी ई एफ और तीसरा ट्रायंगल सी ई एफ तो पहला ये दूसरा ये तीसरा ये इन तीनों हिस्सों को ज्वाइन कर देने से ये मेरा क्वाड्रिलेटरल बना जिसका नाम क्या होगा क्वाड्रिलेटरल बन गया ए बी एफ सी एरिया ए बी एफ सी ठीक है सॉरी हम मिसप्रिंटिंग हुई ए बी एफ सी यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है ए बी एफ सी होगा ठीक है ये को लग जाएगा एरिया ट्रायंगल ए बी एफ सी की और ये बात हमें क्या करनी थी प्रूफ करनी थी और इसी के साथ ये मैंने थोड़ी क्वेश्चन मिसप्रिंटिंग ले ली थी यहाँ पे ट्रायंगल नहीं था यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल था ए बी एफ सी ए बी एफ सी ये वाला हमें लेना होगा ठीक है और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पे कंप्लीट होता है उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं अगली वीडियो में ओके बाय बाय थैंक यू